मुरादाबाद सदर तहसील सभागार में शनिवार को कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए लगातार कंबल वितरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद की सदर तहसील में गरीब लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक नगर रितेश कुमार गुप्ता व एडीएम फाइनेंस युवराज सिंह, एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी, तहसीलदार सदर नितिन तेवतिया ने संयुक्त रूप से जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कंबल लेने के लिए कई गांवों के काफी संख्या में बुजुर्ग पहुंचे थे। ठंड में कंबल मिलते ही गरीबों के चेहरे खिल गए। विधायक रितेश कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये सपना है कि गरीबों को उनका हक मिले, कोई भी गरीब सरकार की योजनाओं से अछूता ना रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि चारों ओर विकास कार्य तेजी से कराया जाए ताकि लोगों को रोजगार के लिए अन्यत्र ना जाना पड़े। शासन द्वारा गरीब, विधवा, विकलांगों के लिए ठंड से राहत के लिए कंबल वितरित किए जा रहे हैं। एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। एडीएम फाइनेंस युवराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तहसील सदर के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरीब बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद की अन्य तहसीलों में भी ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जल्द ही सभी जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ठंड से बचाव हेतु गरीबों को कंबल बांटने के निर्देश दिए गए थे, उसी कड़ी में आज तहसील सदर में माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी के द्वारा जो है गरीब लोगों को शीतलहरी से बचाव हेतु कंबल बांटे गए। सर कितने लोगों को ये कंबल वितरित किए गए? क्या आगे 60-65 लोगों को ये कंबल बांटे गए हैं और जगह कैंप लगाए गए हैं और वहाँ भी कंबल वितरण का कार्य चल रहा है और 4-5 दिनों में सारे कंबल बढ़ जाएंगे गरीबों को। इस मौके पर एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी, तहसीलदार सदर नितिन तेवतिया, नायब तहसीलदार कई लेखपाल आदि तमाम अधिकारी मौजूद रहे।